पहले तो बेटा आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने इतनी सीरियसनेस के साथ और पूरी कंटिन्यूटी से हमारे इस मेमोरी साइंस को जाना समझा, है ना बेटा। जस्ट हम आज आपका अभी तक के सफर का रिव्यू जानना चाह रहे हैं कि बेटा आपको जैसी बात है आपकी, मेरे से ही शायद मुझे याद आ रहा है कि आपके साथ एक टेलीफोनिक टॉक हुई थी, मैंने कुछ चीजें आपके सामने रखी थी। हालांकि अभी तो बहुत इनिशियल फेज है आपका, अभी तो हमें इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन अभी तक के सफर को आप किस नजर से देखते हैं अपने एज ए अपने प्रोफेशनल कोर्स, जैसे जहां तक मुझे याद है आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और उस कोर्स के हिसाब से और इन सेशंस में जो जो एजुकेशन का जो पैटर्न, एक ट्रेडिशनल पैटर्न आज तक चला आ रहा है वो, और ये जो अभी आपने इन दिनों में मेमोरी साइंस MIMNM की ट्रेनिंग के थ्रू जाना, इसके बारे में बेटा थोड़ा सा अपना व्यू प्लीज हमारे साथ शेयर करें, और उसके साथ आपके अचीवमेंट्स कि आपने क्या अप्लाई किया और क्या अपने अंदर चेंजेस या कॉन्फिडेंस के अंदर चेंज देखा। सर, चेंजेस तो बहुत देखने को मिल रहा है। ऐसे पहले सिर्फ हम लोग पढ़ते थे, मतलब रीडिंग मार लेते थे वगैरह, फिर उसको वापस रिवाइज करो, एग्जाम तक याद तो रहना है नहीं उस चीज को, तो पढ़ के क्या फायदा, एग्जाम के पहले ही पढ़ लेंगे तो बेटर है। और कई बार होता था कि सिलेबस इतना ज्यादा है तो बुक्स क्यों पढ़ना, नोट से पढ़ लेंगे, छोटे मोटे करके एग्जाम पास कर लेते हैं। लेकिन अब MIMNM करने का मतलब ऐसा फील आ रहा है कि नोट्स बहुत कम है, अब तो हमारे पास जब स्कोप इतना ज्यादा है तो बुक्स क्यों नहीं पढ़ रहे हैं हम, अब हम जब लर्न ज्यादा कर सकते हैं तो हम साल भर को क्यों यूटिलाइज ना करके बुक्स पढ़ना चालू कर रहे हैं। पॉइंट वाइज अगर चीजें याद रह सकती हैं हमको तो स्कोप तो बहुत अच्छा मिला है सर। और पॉइंट्स वगैरह भी, मतलब पॉइंट टू पॉइंट चीजें जो होती है वो बहुत अच्छे से याद रहती हैं अब, तो काफी अच्छा लग रहा है। गुड बेटा, क्या आपने अपने एकेडमिक के अंदर क्या यूज किया मेमोरी साइंस का बेटा? सर, मैंने एक नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल करके एक होता है वो पूरा याद किया था, और ऑप्थेल्मोलॉजी करके एक बुक होता है उसका 100 पेजेस याद किया था, और रूट टू की वैल्यू याद की थी मैंने 150 डिजिट। सर ओके बेटा, ट्राई कर सकते हैं रूट टू की वैल्यू। यस सर, ग्रेट। चलिए फ्रेंड्स, श्रीनिधि ने रूट टू ओके उसकी जो आंसर आता है उसकी जो वैल्यू आती है, एक्चुअली क्या होता है कि न्यूमेरिकल डिजिट्स को लेके हमारा ब्रेन हमेशा एक एक डर में रहता है, हमेशा एक उसके सामने चैलेंज रहता है कि न्यूमेरिकल डिजिट्स नंबर में भूल जाऊंगा ओके तो यहाँ वो डर किस तरीके से कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, किस तरीके से बच्चे नंबर ऑफ डिजिट्स 100 ऑफ डिजिट्स को इतनी आसानी से याद कर लेते हैं, ब्रेन में इंस्टॉल कर लेते हैं, और ना सिर्फ याद करते हैं परमानेंट उनके ब्रेन में याद रहता है, जब भी जरूरत पड़ती है वो बता देते हैं। तो ये अपने आप में मैटर ये नहीं है कि रूट टू की वैल्यू याद की गई या पाई की वैल्यू याद की गई, मैटर ये है कि डिजिट्स को इंस्टॉल कर किया जा सकता है ब्रेन में परमानेंटली, ठीक है। तो श्रीनिधि हमारे लिए इसका लाइव एग्जांपल है, बेटा प्लीज आप हमें रूट टू की वैल्यू बताएं कि थोड़ा हम लोग ट्राई करेंगे कि आपने कहाँ पे इंस्टॉल किया है। यस सर, 1.41427 0956 2378 0166 4860 76 76 76 96 71 871 8756 76 94 80 76 94 80 74 74 78 56 21 073 88 50 38 75 84 72 आप के स्पीड को हमें ही रोकना पड़ेगा, इसमें तो कोई ब्रेकर मुझे नजर ही नहीं आ रहा। ब्रिलियंट बेटा श्रीनिधि, शाबाश बेटा, शाबाश। और ये हम है ना आपको क्रॉस चेक करने के लिए हमारे जो भी साथी है ना उनको हम ये वीडियो शेयर भी करेंगे ताकि आप अपने लेवल पे सेटिस्फाई हो जाएं, चेक चेक कर पाए इसे, ठीक है ओके। हाँ श्रीनिधि बेटा ब्रिलियंट। और बेटा कोई बुक इंस्टॉल की हो आपने? यस सर, ऑप्थेल्मोलॉजी का एक बुक होता है, उसके फर्स्ट 100 पेजेस के थे। बेटा बुक है आपके साथ इस वक्त? यस सर। ओके गुड, पहले ट्राई करते हैं और वो कुछ अपने आपको क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग लाइव चेक भी कर लेंगे। बेटा बताओ 33 पेज पे क्या है? 33 पेज में सर उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन के का एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है। ओके अच्छा बेटा 61 पेज पे क्या है? 61 नंबर पेज में इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा बोल के एक होता है,
उसके बारे में दिया हुआ है और उसके टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस, फिर एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, वायरल कंजक्टिवाइटिस, टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस, सिकाटिशियल, सबके बारे में दिया हुआ है, मतलब ग्रेट। क्लासिफिकेशन दिया हुआ है पूरा अच्छा बेटा 99 नंबर पेज पे क्या है? सर। 99 नंबर पेज में कॉर्नियल अल्सर एक होता है, उसके कुछ स्टेजेस को डिस्क्राइब किया गया है, एक दो बेटा चेक स्टेज। चेक कर सकते हैं 99 नंबर पेज। यस सर, दिख रहा है सर। हाँ ओके 99 ठीक है। 98 में शुरू है बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर करके, उसके स्टेजेस वगैरह दिए हुए हैं सर, पैथोलॉजी और स्टेजेस वगैरह। ओके ग्रेट शाबाश बेटा। एक और चार्ट बेटा 74 नंबर पेज पे क्या है? तो 74 नंबर पेज में ईकेसी के बारे में दिया हुआ है, एपिडेमिक केराटो कंजक्टिवाइटिस, और जैसे कि वो कॉज होता है एडिनो वायरस 8 और 11 की वजह से, और वो जब भी कोई एपिडेमिक होता है, जैसे अभी कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, तो वैसे जब भी कोई एपिडेमिक होता है तो उसमें वो कॉज होता है मोस्टली। ओके बेटा चेक कर सकते हैं क्या हम 74 नंबर पेज? सो सर डायग्राम है, चलेगा ना? लाइव डायग्राम है। हाँ ओके सर ईकेसी के बारे में दिया हुआ है, एपिडेमिक केराटो कंजक्टिवाइटिस, ओके और इसमें दिया हुआ है एडिनो वायरस की वजह से कॉज होता है टाइप 8 और 19 की वजह से, ग्रेट और एपिडेमिक में होता है सर दिया हुआ है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट बेटा, मतलब रियली मतलब हमें ऐसा लगता है कि मेडिकल से टफ पढ़ाई तो शायद ही कोई होगी, और वहां अगर मेडिकल का बच्चा अपनी इतनी कॉम्प्लिकेट वर्डिंग्स को, इतने टेक्निकल मतलब जो जो टॉपिक्स होते हैं उनको इतनी आसानी से पेज वाइज याद कर ले, तो इसके आगे तो मुझे नहीं लगता इससे इससे कोई और बड़ा कोई टारगेट होगा बच्चों के लिए, है ना। तो बेटा सुनिंदी और कुछ आपने बेटा डिजिट्स के अलावा, बुक के अलावा और कुछ ट्राई किया हो? तो मैंने हमारे कोर्स का एक नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल करके एक होता है, उससे मतलब उसमें जैसे इन्फेंट्स वगैरह बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है, तो कौन से वीक में कौन सा वैक्सीन दिया जाना चाहिए, कौन से डोज में दिया जाना चाहिए, कहाँ दिया जाना चाहिए, उसको पूरा इंस्टॉल किया था। गुड 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 गुड। मतलब बेटा ये सिर्फ आपके थ्योरेटिकल एकेडमिक से नहीं, आपके जो प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप डॉक्टर बन जाओगे, और हमारे हमसे तो हम आज ही रिक्वेस्ट करें कि कभी हम लाइन में लगे हों तो प्लीज हमें लाइन में मत लगाना, थोड़ा जल्दी नंबर हमारा ले लेना, है ना। हमारी बेस्ट विशेष बच्चों आपके साथ है कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने, बहुत बड़े डॉक्टर बने। तो आपको ये लगता है कि जब आप उस प्रोफेशनल कोर्स में जब आप फील्ड में जाएंगे तब भी ये जो मेमोरी टेक्निक्स है, ये जो ब्रेन की अनलॉकिंग है, ये आपकी हेल्प हेल्प करेगी, ऐसा ऐसा आपको लगता है? ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए श्रीन जी बेटा बहुत बहुत थैंक्स, और बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेस, हमारी लाइफ में सक्सेसफुल हो, बहुत आगे बढ़े।